Assalamualaikum class 8, hope you will be fine. Students, here's your book, New Oxford Modern English. Should I start our today's topic? Students, we were reading about student number 4, extreme weather, and in our lecture part 1, we have discussed difficult words and their meanings, and also we have started our reading page number 46 and 45. We have completed, and we have discussed the different conditions and different variations of the weather. So we will start from page number 48. स्टूडेंट पेज नंबर 47 पे हम डिस्कस कर रहे थे हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के जो सर्द और गर्म तीन जगह हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो हम पेज नंबर 48 पे वहीं से स्टार्ट करेंगे. देर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेज ऑन अर्थ विच कम्पीट फॉर द हाइस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड. वो कहते हैं कि दुनिया की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हाइस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है. इन जुलाई 1913 अ टेम्परेचर ऑफ 56.6 सेंटीग्रेड और 134 डिग्री फॉरन हाइट सेट द रिकॉर्ड फॉर द हाइस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड टिल दैन. वो कहते हैं कि 1913 में जुलाई में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 56.6 सेंटीग्रेड था, जो कि अब तक रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था. दिस वॉज एट अ वेदर स्टेशन इन अ प्लेस. ये एक जगह है, वेदर स्टेशन है जहाँ पे, जिसका नाम है उस प्लेस का फॉरनेस क्रीक इन डेथ वैली. डेथ वैली में एक जगह का नाम है फॉरनेस क्रीक, यूएसए यूएस में पाया जाता है जी. ये वहाँ का दर्जा हरारत है जो कि 1913 जुलाई में रिकॉर्ड किया गया 56.6 सेंटीग्रेड. दिस वॉज एट अ वेदर सॉरी इन 1922 ग्राउंड बेस इंस्ट्रूमेंट्स इन अल अजीजिया लीबिया रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑफ 58.58 सेंटीग्रेड ऑन सितंबर 13th. वो कहते हैं कि 13 सितंबर को लीबिया ने रिकॉर्ड किया अल अजीजिया में ग्राउंड बेस पे जो टेम्परेचर था वो एक जगह का जो कि 58 सेंटीग्रेड था. द हायर टेम्परेचर डैट डे वॉज पार्शली ड्यू टू विंड फ्राम द साउथ डैट ब्लो इन हॉट एयर फ्राम ओवर द सहारा डेजर्ट. कहते हैं कि ये जो उस डे का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो किस वजह से था, जो सहारा डेजर्ट से चल के आने वाली जो सहारा डेजर्ट की तरफ से आने वाली हवाएं थी, उन हवाओं की वजह से ये जो टेम्परेचर था इस कदर हाईएस्ट था. मोर रिसेंटली साइंटिस्ट हैव यू सेटेलाइट इमेजेस टू रिकॉर्ड डेटा फ्रॉम द मिडल ऑफ डेजर्ट्स डैट आर अदरवाइज इनएक्सेसिबल. वो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया, सेटेलाइट के थ्रू जो सहरा है उनकी जो दरमियान वाली जगह है उनके टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड किया, जो कि आम तौर पे या आम हालात में पॉसिबल नहीं होता उसको रिकॉर्ड करना. सेटेलाइट स्कैन्स हैव एन एडवांटेज ओवर वेदर स्टेशंस इन एनी अदर वे टू दे मेजर द टेम्परेचर ऑन द लैंड रादर देन जस्ट अबव इट. वो कहते हैं कि जो सेटेलाइट्स होते हैं उनके साथ जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसके हमें ये फ़ायदा होता है कि वो जो सेटेलाइट्स के थ्रू टेम्परेचर मेजर होता है वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर का टेम्परेचर नहीं होता बल्कि वो ज़मीन का टेम्परेचर भी मेजर करते हैं. इन 2005 एंड इन द दस्तेलुत सहरा इन द दस्तेलुत डेजर्ट सॉरी इन द दस्तेलुत डेजर्ट इन ईरान. कहते हैं कि दस्तेलुत सहरा है जो ईरान में, उसका जो टेम्परेचर इन्होंने मेजर किया 2006 में. साइंटिस्ट मेजर द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर एवर ऑफ 17.7 सेंटीग्रेड. वो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट ने उस सरफेस का टेम्परेचर लिया, सतह का टेम्परेचर लिया, मीन कि ज़मीन की सतह का जो टेम्परेचर था जो कि दस्तेलुत सहरा का था वो 70.7 सेंटीग्रेड था. लाइफ डज नॉट थ्राइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. जो एक्सट्रीम हद तक टेम्परेचर जाता है, जो दर्जा हरारत बहुत शदीद हद तक होता है, वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती. नथिंग कुछ भी नहीं, नॉट इवन बैक्टीरिया, इवन देन बैक्टीरिया भी वहाँ पर नहीं पाए जाते. लिव्स इन द मिडल ऑफ द दस्तेलुत डेजर्ट. वो कहते हैं कि उन्होंने जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये पता चला कि दस्तेलुत सहरा के जो मिडल वाला एरिया है वहाँ पर तो बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट नहीं करते. सिमिलरली द बैरन आइसी डेजर्ट ऑफ द अंटार्कटिका डज नॉट सपोर्ट लाइफ. कहते हैं कि जो अंटार्कटिका का आइसी डेजर्ट है, बैरन आइसी डेजर्ट है, वो भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पर भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है. द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में सर्द तरीन जगह है, विद अ रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर, जहाँ पर सबसे कम दर्जा हरारत, सर्दी का सबसे कम दर्जा हरारत -91 सेंटीग्रेड है, जो कि -91 सेंटीग्रेड है इन द अंटार्कटिक आइस शीट. अंटार्कटिक आइस शीट में जो रिकॉर्ड किया जाने वाला उसका जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो -91 सेंटीग्रेड है. देयर
सॉरी जी देयर एट रशिया वोस्टोक आइस स्टेशन, वो कहते हैं कि रशिया में वोस्टोक आइस स्टेशन पे इज़ अ वास्ट लेक, वहाँ पे एक बहुत ही वसी लेक है जो कि बरिट है, बरिट 4 किलोमीटर बिलो द आइस, जो कि 4 किलोमीटर बर्फ में दबी हुई है। दिस इज़ अ रिमोट डेंजरस एंड रेयरली विजिटेड प्लेस, वो कहते हैं कि रिमोट होता है कि ऐसा एरिया जो कि जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता ह्यूमन बींग्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कि वहाँ तक जा सके। वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, डेंजरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एंड रेयरली विजिटेड प्लेस, और बहुत कम, रेयरली मीन कि बहुत कम विजिटेड प्लेस है, वहाँ पर बहुत कम लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। मेयरिंग टेम्परेचर इन दीज एक्सट्रीम लोकेशंस इज़ डिफ़िकल्ट, वो कहते हैं कि इन तमाम जगहों पे जो एक्सट्रीम लोकेशंस हैं, एक्सट्रीम मतलब कि दर्जा हरारत वाली जगह है, इन पे टेम्परेचर को मेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। बट साइंटिस्ट कीन टू फाइंड, वो जानना चाहते हैं, कीन टू फाइंड आउट हाउ कोल्ड इट कैन गेट, वो कहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि कोई भी जगह कितनी सर्द हो सकती है। डाटा कलेक्टेड करते हैं फ्रॉम आइस स्टेशन से एंड सेटेलाइट और आइस स्टेशन से, वो क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट वेदर पैटर्न्स, के मौसमी जो पैटर्न्स हैं, जो मौसम के जो तौर तरीके हैं, उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन करने के लिए वो सेटेलाइट से आइस स्टेशन से क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं इन जगहों के बारे में। However, some very cold places on earth are inhabited, वो कहते हैं कि जो दुनिया में बहुत सारी सर्द जगह पाई जाती हैं वहाँ पर ज़िंदगी किसी हद तक मुमकिन है। Life is tough in the coldest regions of Russia, Canada, Mongolia, Greenland and in the state of Alaska in the US, वो कहते हैं कि इन तमाम जगहों पर ज़िंदगी क्या है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है, बहुत ही हार्डली वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। हार्श होता है कि खुश्क तरीन होना, डार्क विंटर्स, हार्श होता है जैसे कोई चीज़ खुदरी नहीं होती है, उस सेंस में इसको कह रहे हैं कि बिल्कुल खुश्क सूखा या रूखा भी कैसा मौसम होता है। डार्क विंटर्स, वहाँ पे सूरज तलू नहीं होता हमेशा, मतलब कि ठंड रहने की वजह से सूरज तलू नहीं होता, तो वहाँ पे हर वक्त बादल छाए रहते हैं या स्नोफॉल होती रहती है, तो उसकी वजह से उनके डार्क विंटर्स होते हैं। गहरे विंटर्स विद लॉन्ग पीरियड्स, बहुत लंबे पीरियड के साथ, वेदर टेम्परेचर रिमेन्स विल बिलो 0 सेंटीग्रेड आर पार्ट ऑफ लाइफ फॉर पीपल इन दीज रीजन्स, वो कहते हैं कि ये तमाम जो ये टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, उन तमाम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होता है जो कि उन जगहों पे रहते हैं। ओके जी, आर पार्ट ऑफ लाइक फॉर पीपल इन दोज रीजन्स, वो कहते हैं कि ये तमाम जो ये जो दर्जा हरारत हमने पेज नंबर 48 पर डिस्कस किया कि कुछ ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ही सर्द तरीन है, वहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है और वहाँ पर दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से भी कम होता है, लेकिन वो उन तमाम लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, वो वहाँ पर जो रहते हैं। इसी तरह से इन दी टाउन ऑफ ओमेकोन रशिया का एक टाउन है जहाँ पे विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 500 पीपल, वहाँ पे लोगों की जो तादाद है जो रह रहे हैं वो 500 पीपल हैं। द एवरेज डेली टेम्परेचर इन जनवरी हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज -46 सेंटीग्रेड, कहते हैं कि जहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि रशिया में एक टाउन है ओमेकोन, उसका जो उसकी जो आबादी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो 500 पीपल हैं उस कस्बे में रहने वाले, और वो सिर्फ बता रहे हैं कि उसका जनवरी में जो रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है, उसका वन डे का टेम्परेचर वो -46 सेंटीग्रेड है, मतलब कि सर्दी की शदीद कंडीशंस के बावजूद लोग वहाँ पे रहने पे क्या गए, मजबूर हैं, या लोग वहाँ पे रहते हैं तो इन कंडीशंस को बियर अप करते हुए लोग अपनी ज़िंदगी को इन जगहों पे गुजारते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर पार्ट में हमने पेज नंबर 48 पे डिस्कस किया, जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट उसके हवाले से, तो हमारा ये टॉपिक जहाँ तक कम्प्लीट हो जाता है। इस पेज नंबर 48 को आप 2 or 3 times दोबारा रीड आउट करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।